एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम यहाँ पर है मुजफ्फरनगर में काकरा पे के लोडिंग स्टेशन पे। और चूँकि अभी जो मल्ली का सीज़न है, सर्दियों का सीज़न ऑन हो चुका है, तो जो शुगर कैन की जो गन्ने की फसल है उससे अब चीनी और गुड़ बनेगा। तो यहाँ पर जो लोकल कुल्लू होते हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। और जो यहाँ का लोकल फीड है, ड्राई फीड नहीं सॉरी, जो मल्ली है, मल्ली का फीड अभी उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो उसके लिए ये माल लेके आए हैं काकरा पिक लोडिंग स्टेशन पर। और ये अभी यहाँ पर 2 महीने रहेगा लगभग। देखिए कैसा माल है। और 2 महीने के बाद में जब ये रेडी हो जाएगा, देखिए ये फीड है, इस फीड पे पलेगा। हालांकि अभी इतनी मल्ली नहीं खाते हैं क्योंकि प्रॉपर ड्राई फीड पर पले हुए जानवर हैं, लेकिन हफ्ता 10 दिन लगेगा इनको। अब फिर ये नॉर्मली ढल जाएंगे और पीले लगेंगे। और बहुत से दर्शक है जो जानना चाहते हैं कि हमारा जो पिक लोडिंग रैंप है वो कैसा है। देखिए ये हमारा काकरा पिक लोडिंग रैंप है, यहाँ पे लोड अनलोड करते हैं। तो ये जो जानवर है ये लेके आए हम हरियाणा से, और कैसा माल है। और एक और गाड़ी हमारी है छोटा हाथी, वो देख सकते हैं आप, वो देखे दूर से, वो भी आया है। उसे मैं दूसरे क्लिप में दिखाऊंगा, फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ आपको। कोई किसी तरह कैसा माल है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सहारनपुर का माल है, सहारनपुर से लेकर है। देखिए किस तरह का माल है। अभी काफ़ी प्यास लगी हुई है इनको, तो ये जो बारिश का पानी है उसको पी रहे हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर पहले जानवर तो नहीं थे, तो जिसकी वजह से पानी बारिश का रुका हुआ है इसमें, उसको पी रही है। अब थोड़ा रेस्ट करेंगे। ओह उधर भाग गया था। देखिए काफ़ी चालाक था, चपल चालाक। और ये इसका बंद किया जा रहा है अभी, और उसके बाद में जो दूसरे जानवर है उसको अनलोड करेंगे हम अभी। एंड अगर आपको माल अच्छा लगा देखिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।